इंदौर के पूर्व कलेक्टर तथा वर्तमान में जनसंपर्क विभाग भोपाल के आयुक्त IAS पी नरहरी की कहानी आज के युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणास्पद साबित हो सकती है। आज हम आपको उनसे जुड़ी कहानी सुनाते हैं। आज कई युवा IAS बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनमें संघर्ष करने का मादा नहीं होता। लेकिन जब हम पी नरहरी के संघर्ष की कहानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अभावों के बीच भी बहुत कुछ किया जा सकता है। पी नरहरी ने इंदौर में एक कार्यक्रम में अपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। यहाँ छात्रों ने उनसे सवाल किया कि अभावों के चलते किस तरह से मंजिल पाई जा सकती है। इस पर पी नरहरी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं खुद ऐसी परिस्थितियों से आया हूँ, इसलिए आपकी परेशानियों को समझता हूँ। उन्होंने बताया कि आपके शहर में कई लाइब्रेरी है, लेकिन मैं जिस गांव में रहा हूं वहां इतनी सुविधाएं नहीं थी। पिता गांव में टेलर थे और आर्थिक परिस्थितियां इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि सारी किताबें खरीदकर पढ़ाई की जा सके। मैं सभी लाइब्रेरी में जाकर घंटों इसलिए पढ़ता था क्योंकि मेरा लक्ष्य निश्चित था, मुझे IAS बनना है। कई बार तो स्थितियां यहाँ तक हो जाती थी कि लाइब्रेरी वाले मुझे घर जाने के लिए कहते थे, लेकिन वो मेरी लगन को देखकर मुझे ऐसी किताबें भी घर ले जाने के लिए दे देते थे जिन्हें इशू करने की मनाही होती है। खाली वक्त में मैं किसी को पढ़ाकर या कुछ काम कर कुछ पैसे जमा कर लिया करता था ताकि पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि अच्छा मुकाम केवल सुविधाओं से नहीं बल्कि संकल्प से ही पाया जा सकता है। पी नरहरी ने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कुछ सूत्र वाक्य भी बताए। उनका कहना है कि एकलव्य के पास संसाधन और गुरु दोनों ही थे, फिर भी प्रबल इच्छा शक्ति से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ ही व्यक्ति को तमाम गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, इससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उनका ये भी सुझाव था कि किताबें खरीदकर पढ़ना ही जरूरी नहीं है, लाइब्रेरी की मदद भी ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पी नरहरी का फेसबुक पेज भी युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी और मार्गदर्शक साबित हो सकता है। इसमें उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग की कई स्टोरीज दे रखी है, तो आप भी पी नरहरी की स्टोरीज देखकर कई सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।